नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट का हुआ उद्घाटन। अब पुलिस के काम की मॉनिटरिंग करने फील्ड में उतरेंगे IAS और IPS। विधान परिषद के सभी 24 MLC करोड़पति। ADR ने निकाली सभी की कुंडली। केंद्रीय विद्यालय में सांसद कलेक्टर कोटे से दाखिला बंद। हार्दिक ने अपनी चोट को लेकर दी अपडेट। गुजरात पहुंचा पॉइंट टेबल में टॉप पर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट का हुआ उद्घाटन। बिहार का उद्योग क्षेत्र प्रगति पर है। एक तरफ जहां बरौनी रिफाइनरी से बिहार के एक बड़ी आबादी को रोजगार मिल रहा है, वहीं अब बरौनी में पेप्सी का प्लांट भी लगाया गया है, जो कि बिहार में रोजगार मुहैया कराने का एक माध्यम होगा। आपको बता दें कि आज बेगूसराय के बरौनी के हवासपुर में रिकॉर्ड समय में तैयार पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। इस बीच रविकांत जयपुरिया ने कहा कि बरौनी में बना पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी कानून होने के बावजूद शराब बेचने और शराब पीने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन नीतीश सरकार भी हार नहीं मान रही है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इनको इस काम के लिए बढ़ावा दे कौन रहा है। ऐसे में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की शराब के साथ पकड़े गए शख्स को पैसे लेकर छोड़ने वाले मद्य निषेध के दरोगा समेत 3 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य मामले में मद्य निषेध के सिपाही को भी बर्खास्तगी की सजा दी गई है। दरअसल ये मामला साल 2019 का पूर्णिया के दालकोला चेक पोस्ट का है। बिना कोई बाधा के इस 5 जिलों को मिलेगी बिजली। राज्य के चंपारण सहित 5 जिलों को बिना किसी बाधा के अब बिजली मिल सकेगी। इसके लिए सीतामढ़ी के पावर ग्रिड के अहम विद्युत उपकेंद्र का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने लोकार्पण किया है। इससे दरभंगा और मोतिहारी को भी फायदा होगा। आपको बता दें कि इससे 400, 220, 132 केवी की ट्रांसमिशन क्षमता वाले इस विद्युत उपकेंद्र से सीतामढ़ी सहित दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया और शिवहर जिले को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सीतामढ़ी का ये विद्युत उपकेंद्र दरभंगा और मोतिहारी उपकेंद्र से जुड़ गया है। इसका जुड़ाव भूटान से भी है और नेपाल में जल विद्युत निगम हमारी ही कंपनी है। अब पुलिस के काम की मॉनिटरिंग करने फील्ड में उतरेंगे IAS और IPS। अब पुलिस अपने काम से भाग नहीं सकते हैं, अब इनकी कार्य की समीक्षा भी की जाएगी। बिहार में विधि व्यवस्था को ठीक करने और अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे काम की समीक्षा के लिए बड़े अधिकारी यानी कि IAS और IPS जल्द ही फील्ड में उतरेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने 2 अफसरों की अलग से टीम भी बना दी है और ये टीम जल्द ही अपना काम शुरू करेगी और काम की मॉनिटरिंग करेगी। गृह विभाग द्वारा जारी अधिकारियों की जो 2 टीम बनाई गई है, उसमें एक में गृह सचिव के सेंथिल कुमार और IG प्रोविजन अजिताभ कुमार को रखा गया है। वहीं दूसरी टीम में गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव और IG MR नायक को ये जिम्मेदारी दी गई है। साइबर ठग बना रहे हैं बिजली उपभोक्ताओं को निशाना। साइबर ठगों ने ठगी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। भोले भाले लोगों को ठगने के लिए हर तरीके और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह अब साइबर ठग बिजली उपभोक्ताओं को निशाने पर ले रहे हैं। इसकी शिकायत काफी लोगों ने की है। दरअसल साइबर अपराधियों द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाया होने के मैसेज के साथ ही एक मोबाइल नंबर और बिल जमा करने का लिंक भेजा जा रहा है। साथ ही ये भी चेतावनी दी जा रही है कि बिजली बिल एक सीमित अवधि तक जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता द्वारा बताए गए ऐप के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर देने पर अपराधी उनके खाते को अपने नियंत्रण में कर मनचाही रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे में बिजली कंपनी ने खास चेतावनी दी है कि ऐसे कॉल या मैसेजेस से सतर्क रहें। AES को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों को किया सतर्क। बढ़ती गर्मी के साथ चमकी बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने भी अलर्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि AES यानी कि चमकी बुखार से लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इसके साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। अंबेडकर जयंती पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने चमकी बुखार को लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर बात की। उन्होंने बताया कि चमकी बुखार को लेकर हम लोग पहले से ही अलर्ट है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को भी इससे सतर्क रहना होगा। विधान परिषद के सभी 24 MLC करोड़पति। ADR ने निकाली सभी की कुंडली। बिहार में हाल ही में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए और ये 24 MLC ने अपने पद की शपथ भी ले ली है। ऐसे में इन सभी MLC की संपत्ति का ब्यौरा लिया गया है,
जिसमें सभी के सभी 24 एमएलसी करोड़पति हैं। वहीं 63% एमएलसी दागी साबित हुए हैं। बिहार में चुने गए 24 नए एमएलसी की पूरी रिपोर्ट एडीआर ने जारी की है, जिसमें पता चला है कि इनकी औसत संपत्ति 75 करोड़ रुपए है। 63% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। शिक्षा की बात करें तो 58% ने स्नातक या उससे ज्यादा पढ़ाई की है। 62% की उम्र 50 से ऊपर और 38% 50 की उम्र से कम के हैं। केंद्रीय विद्यालय में सांसद कलेक्टर कोटे से दाखिला बंद। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सांसद और जिलाधिकारी कोटे से केंद्रीय विद्यालय में अगले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि हर साल सांसद और जिलाधिकारी कोटे से केंद्रीय विद्यालय में 30,000 विद्यार्थियों का दाखिला किया जाता था, जिसे अब अगले आदेश तक रोक दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से इन सीटों पर भी SC ST OBC कोटे से हर साल 15,000 छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मालूम हो कि राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। बिहार में दिया बर्ड फ्लू ने दस्तक। बढ़ती गर्मी के साथ एक बार फिर से प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दिया है। इसके मामले सबसे पहले सुपौल जिले में देखने को मिले हैं। प्रखंड के छापकाही गांव के कुछ वार्डों में पक्षियों के लिए लिए गए सैंपल से इसकी पुष्टि हुई है। ऐसे में जिला स्तर पर रिपीट रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों की जान लेने का काम शुरू हो गया है। बताया गया है कि यहां के वार्ड 1 से लेकर 11 तक के कई मुर्गे और बत्तख की अचानक से जान चली गई, जिसके बाद राजधानी पटना से आई टीम के कुछ इन्फेक्टेड पक्षियों का सैंपल लिया गया, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है। प्रदेश का तापमान 45 से पार, आपदा प्रबंधन ने किया अलर्ट। प्रदेश के दक्षिण भाग के जिलों में गर्मी ने कहर मचा कर रखा है। इन जिलों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। सुबह के 9 बजे से ही सूरज की तपिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। इसके बाद मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया और चेतावनी दी, अगर जरूरी ना हो तो ऐसे में घर से बाहर ना निकले। इस बीच अब आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम को सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ सहित पेयजल की अन्य व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इससे बचाव के लिए जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। लू से बचाव के लिए बाहर निकलने से पहले यात्रा करते समय अपने साथ पानी अवश्य रखें, खाली पेट ना रहें, गहरे रंग के भारी और तंग वस्त्र पहनने से बचें। अब इस जिले में भी रुकेगी विक्रमशिला, रेल मंत्री ने दी स्वागत। बिहार बक्सर के यात्रियों की पुरानी मांग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि भागलपुर से आनंद विहार स्टेशन तक जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन अब बक्सर में भी रुकेगी। इससे पहले विक्रमशिला का स्टॉपेज बक्सर में नहीं था, जिसकी मांग बक्सर के यात्री लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में उन्हें रेल मंत्रालय की तरफ से यह उपहार मिला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अप लाइन पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि विक्रमशिला एक्सप्रेस को बक्सर में रुकने से लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी और साथ ही भागलपुर और बक्सर का संबंध स्थापित होगा। सीएम की सुरक्षा में नए अफसर और जवान किए जाएंगे तैनात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके लिए अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में नए अफसर और जवान तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लेते हुए स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप में अफसरों और जवानों का बदलाव किया जा रहा है, जिसके लिए 50 नए अफसरों और जवानों का चयन हुआ है, जिसके बाद प्रतिनियुक्त होने वाले पुलिस अफसर और जवानों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया गया है। महेश्वर सिंह के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मी। हाल ही में बिहार विधान परिषद का चुनाव जीत चुके महेश्वर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। महेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण स्थानीय निकाय क्षेत्र 12 से निर्दलीय MLC है। महेश्वर सिंह का मुख्यमंत्री से मिलना राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा चुका है। महेश्वर सिंह इससे पहले राजद में रह चुके हैं, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने राजद से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट से मिला प्रोडक्शन वारंट। मालूम हो कि आज से पहले बेउर जेल में पड़े छापे के बाद मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए थे, जिसके बाद उनसे पूछताछ की तैयारी चल रही थी और अब कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट मिलने के बाद अनंत सिंह को फिजिकली कोर्ट में पेश होना होगा। इसके बाद उनके पास से जो मोबाइल और सिम बरामद किया गया था, इस मामले में पुलिस आरोपी बनाएगी। बेउर के थानेदार अतुलेश कुमार के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया है। पुलिस ने इसकी पड़ताल शुरू की तो 10 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जिन पर लगातार बातचीत होती रही है। हार्दिक ने अपनी चोट को लेकर दी बड़ी अपडेट, गुजरात पहुंचा पॉइंट टैली में टॉप पर। गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया IPL का 24वां मुकाबला बेहद ही रोमांचक था। गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 के 24वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 37 रनों से पटकनी देकर सीजन का अपना चौथा मुकाबला जीता। इसी के साथ टीम पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर भी पहुंच गई है। मैच के दौरान गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने उस समय फैंस के धड़कने बढ़ा दी जब चोटिल होने के बाद उन्होंने मैदान छोड़ दिया। अपने चोट के बारे में अपडेट देते हुए पांड्या ने कहा कि ये जीत बहुत खास है, ये सिर्फ
क्रैम्प है, ज्यादा गंभीर नहीं है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नीतीश कुमार, विकास बिहारी, अमन कुमार, सचिन कुमार, शंकर मुखिया, महेश माइकल, मिथिलेश कुमार, पप्पू कुमार, सोनू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में बढ़ते उद्योग को देखते हुए लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।